Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. काश काशी को समझना भी उतना ही आसान होता जितना उस पर राजनीति करना है। 134 साल पुराने अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया और साथ ही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने भी सर्वसम्मति से यह फैसला दिया कि अयोध्या की 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम मंदिर के निर्माण के लिए दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ढहाया गया ढांचा ही भगवान राम का जन्मस्थान है और हिंदुओं की यह आस्था निर्विवादित है। लेकिन अब अयोध्या के बाद हिंदुओं की आस्था के कई और स्थल भी सुप्रीम कोर्ट से ऐसे ही सकारात्मक फैसले की उम्मीद लगाए बैठे हैं। श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद दबे स्वर में कहीं ना कहीं यह कहा जाने लगा है कि क्या इसके बाद वाराणसी और मथुरा की विवादित मस्जिदों को लेकर भी आंदोलन शुरू होंगे। वैसे तो काशी बाबा भोलेनाथ का एक ऐसा दिव्य लोक है जिसे किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित पौराणिक नगरी है जिसे संसार के सबसे पुराने नगरों में गिना जाता है। यह प्राचीन नगरी गंगा के उत्तर तट पर वरुणा और असी नदियों के बीच बसी हुई है जिसके कारण इसे वाराणसी भी कहा जाता है। काशी में वर्तमान समय में लगभग 1500 मंदिर हैं और जिनमें काशी विश्वनाथ संकटमोचन और माँ दुर्गा के मंदिर भारत भर में प्रसिद्ध हैं। भगवान विश्वनाथ के मूल मंदिर की परंपरा इतिहास के अज्ञात युगों तक चली गई है जबकि वर्तमान मंदिर अधिक प्राचीन नहीं है। वहीं पवन पुत्र के संकट मोचन मंदिर की स्थापना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी और माँ दुर्गा के मंदिर को 17वीं सदी में मराठों ने बनवाया था। अगर बात करें काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर की तो यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हिंदुओं का एक विशिष्ट धर्मस्थल है। हिंदू मान्यता के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि जो एक बार इस मंदिर का दर्शन कर पवित्र गंगा में स्नान कर लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। इस नगरी में सभी देवी देवताओं के अपभ्रंश रूपों के मंदिर होने के कारण ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोग शारीरिक और आर्थिक रूप से असमर्थ हैं वो अगर इस मंदिर के दर्शन कर लें तो उन्हें चार धाम यात्रा करने की जरूरत नहीं। लोक कथाओं के अनुसार जब भगवान शंकर से विवाहोपरांत माँ पार्वती अपने मायके गईं तो उनकी सहेलियों ने उन्हें भोलेनाथ से विवाह करने के उनके निर्णय को लेकर उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई। उन्होंने यह भी कहा कि विवाह के बाद भी तो तुम अपने पिता के घर पर ही रहती हो क्योंकि कैलाश जहाँ भगवान शंकर वास करते हैं वो भी हिमालय का ही हिस्सा है। ऐसा सुनकर माँ पार्वती कुछ नहीं बोली लेकिन जब वो कैलाश वापस आई तब उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि अब उन्हें अपना स्वयं का घर ढूंढ लेना चाहिए। इस बात को सुनकर पहले तो भोलेनाथ बहुत परेशान हुए लेकिन जब नारद जी ने उन्हें इसका हल ढूंढने का आश्वासन दिया तो उनकी परेशानी कुछ कम हुई। नारद जी और बाकी सभी देवी देवताओं ने मिलकर भूखंड पर यह अलौकिक स्थान ढूंढा जहां भोलेनाथ ने अपनी दिव्य नगरी बसाई और जिसे आज काशी के नाम से जाना जाता है। काशी की इस नगरी को दो भागों में बांटा गया। पहला है विश्वेश्वर खंड जिसका संचालन भैरव जी करते हैं और दूसरा है केदार खंड जहां माँ गौरी की विशेष कृपा बसती है। यह भी कहा जाता है कि भगवान शंकर के काशी आने से पहले माँ पार्वती ने उनके समक्ष दो शर्तें रखी थीं। पहले कि आप कभी भी इस भूलोक को छोड़कर नहीं जाएंगे और दूसरी कि जो भी काशी में आएगा आप उसको मुक्ति अवश्य देंगे। इसी कारण कहते हैं कि जो भी अंत समय में काशी आता है प्रभु उसे जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर देते हैं। यह तो थी इस मंदिर के इतिहास से जुड़ी लोक कथा जिसका शास्त्रों में भी वर्णन है। इसके अलावा हमारे इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने सबसे पहले भगवान विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और इसके बाद सम्राट विक्रमादित्य ने भी एक बार फिर उसी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इतिहासकारों के अनुसार इसी भगवान शंकर के भव्य मंदिर को सन 1194 में मोहम्मद गोरी ने लूटने के लिए तोड़वा दिया था। इसे फिर से बनवाया गया लेकिन एक बार फिर इसे सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह द्वारा तोड़ दिया गया।
इतिहास में वर्णन आता है कि पुनः सन 1585 में राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इसी स्थान पर एक बार फिर से भोलेनाथ के भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। इसके बाद टोडरमल ने मंदिर का पुनर्निर्माण 1585 में करवाया और एक बार फिर 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दिया। सन 1752 से लेकर 1780 के बीच मराठा सरदार दत्ताजी सिंधिया और मल्हारराव होलकर ने इस मंदिर को मुक्त कराने का अथक प्रयास किया। उसके बाद सन 1777 से 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा इस वर्तमान मंदिर का निर्माण करवाया गया। काशी के बारे में तो हमने आपको बताया, लेकिन काशी की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस अलौकिक नगरी के चप्पे चप्पे पर बहुत कुछ बसा और छिपा है। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक काशी के पास अपने भक्तों को देने के लिए बहुत कुछ नया भी है। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।